नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है ये सोरो कंपनी का साउंड बार। और इसकी दिक्कत ये हो रही है कि इसका चार्जिंग जेट टूट गया है और ये मेरे पास खुली हुई कंडीशन में आया है। मैंने इसे देखा, इसमें देखा एक स्क्रू की जगह ये रही और एक स्क्रू की जगह ये रही। इसमें एक में तो स्क्रू निकला और एक में निकला ही नहीं, मतलब पहले से किसी ने खोल रखा था इसे। ये दुकान से होके आया है और इसे 2-3 बार इसका जैक चेंज किया जा चुका है, पर इसमें कोई सक्सेस नहीं होता। अब कस्टमर का कहना है इसे इस तरह से बना दे कि हमें इसे टीवी में बस फिक्स कर दें, हमें इसे बार बार छेड़ना ना पड़े। और जैक बदलवा के वो बहुत परेशान हो गए हैं, तो हमसे उन्होंने कहा इसे किसी तरह से फिक्स कर दो, हमें इसमें और ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, बस टीवी में इसे लगा दो। क्योंकि मैंने देखा है पूरी तरह से ऑन कंडीशन में बढ़िया से चल रहा है, बस इसमें सबसे ज़्यादा मेन इशू वही है चार्जिंग जैक का। अब चार्जिंग जैक के लिए मैंने सोचा है कि इसमें अब हम इसे डायरेक्ट चला के देखेंगे। मैंने इसके पैर देखे, पिन पूरी तरह से इसकी ठीक है, सारी पिनें ठीक ठाक है, पर जैक लगाएंगे फिर इसे बार बार निकालने रखने से ये वाला जैक टूट जाता है, क्योंकि इसमें माइक्रो यूएसबी केबल लगती है। अब ये वाली डाटा केबल है मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ इसे काट के इसकी 2 तारें सीधा डायरेक्ट कर दूंगा और इन्हें फिक्स कर दूंगा। आइए चलिए काटते हैं इस तार को। ये रही हमारी यूएसबी केबल, इसे काट देते हैं आधे से, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट जितनी थी मैंने उतनी काट दी। ये केबल भी उन्होंने मुझे ही ला के दी थी कि भाई इसे डायरेक्ट कर दो। अब किसी किसी डाटा केबल में 4 तार होती हैं, तो उसे घबराना नहीं है, उसमें एक रेड तार और एक ब्लैक तार यूज करनी है बस। पर ये वाली तो 2 तार की थी, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत लगी ही नहीं है। इसे मैंने देखा तो इसमें 2 ही तार थी बस, और ये काफ़ी अच्छी बात है कि ज़्यादा मतलब कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 2 तार से ही काम पड़ेगा, हमें 2 तार की ही ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई केबल इसमें 4 तार है तो आप 2 तार काट देना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ 2 तार का ही इस्तेमाल करना है। मैंने 2 तार छीन लिए, देखिए मैंने पूरी तरह से छीन ली। मेरे पास टूल नहीं है तो मैं चाकू वाकू का इस्तेमाल करके घर पर छोटी मोटी रिपेयरिंग कर देता हूँ, कस्टमर का भी फायदा हो जाता है। अब इसमें देखते हैं, ये देखिए इस तरफ की जो पहली पिन है मेरे अंगूठे साइड की, ये पॉजिटिव, और नेगेटिव हमेशा बॉडी टच होती है, तो पीछे होल भी दिए हुए हैं। क्या बात, चाहो तो ट्रैक बनाने के लिए होल दिए रहते हैं पहले से, हम इसी ट्रैक का यूज करके इस पीसीबी में हम सीधी वायरिंग करेंगे। तो ये हमारी केबल पहले में से फंसा लेता हूँ, ये तो बाद में दिक्कत आएगी इसमें फंसाता, ये तो हो गया ऑन ऑफ। अच्छा, ये चार्जिंग वाली सॉकेट है, इसी में तार फंसा देता हूँ, ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बाद में फिर शॉर्टिंग करने के बाद ये चीज़ें बड़ी दिक्कत होती है, दोबारा खोल के रखना पड़ेगा, तो उससे अच्छा इसे मैंने पहले फंसा लिया। और आपको ध्यान रखना, बड़ी काम की चीज़ है यही, पहले सारा काम कर लेना। अब ये सर इसमें 2 वायर देख रहे हैं, दोनों होल हैं, दोनों होल में मैं एक एक वायर, पहले मैं एक वेयर पॉजिटिव वाला लगा के इस पर शोल्डर कर लेता हूँ, बस थोड़ा शोल्डर करना, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव भी इसके बगल में ही होल है, एक करीब करीब होल आपको हर एक पीसीबी मिल जाएगा, शॉर्टकट दिया होता है एक तरह की, ट्रैक वगैरह चला जाए तो कंपनियां देती हैं कि बंदे घर पे या फिर दुकान वाले इसे अच्छे से रिपेयर कर सके। ये रहा नेगेटिव वाला तो बहुत बड़े ट्रैक ही होता है, ये बाहर भी कहीं भी जोड़ सकते हो, पर पीछे जगह अच्छी खासी है, मैंने जोड़ दिए, अब ये पूरी तरह से जोड़ दिया। अब मैं इसे पैक कर देता हूँ या एक बार चला के दिखाते हैं पहले, चलो फिर आपको इसे मैं चला के दिखाता हूँ। इस केबल को मैं इसमें लगाता हूँ एडेप्टर में, तार पूरी तरह से देख लें, जांच लें, ये रहा एडेप्टर मैंने जैसे एक उल्टा हो गया था वो, लगाते ही ये देखिए जी लाल लाइट जल गई, मतलब इसकी चार्जिंग शुरू हो गई। और ये ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखो जी स्पीकर भी पूरी तरह से ऑन हो गया, नीली लाइट मतलब स्पीकर जो, और रेड लाइट मतलब चार्जिंग ऑन। अब मैंने इसे ढक्कन वक्कन लगा लिया, अब इसे पैक करना है बस हमें, और कुछ नहीं करना, क्योंकि इसके स्क्रू हमारे पास है नहीं, एक ही दिए थे उसने, वो भी स्क्रू ड्राइवर मेरे पास पतला है नहीं, तो फिर मैं उसे ऐसे ही वापस कर दे रहा हूँ, अपने टाइट कर लेगा, किसी दुकान पे जाके स्क्रू लगवा ले रहा हूँ। ये देखिए एक स्क्रू तो मैं लगा दे रहा हूँ।